नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही शानदार होने वाला है। चाहे आपका एग्जाम जीडी का हो, टीडीएन का हो, कलर का हो, या आपका एनए का हो, सब ट्रेड के लिए बहुत ही शानदार हमने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 में से आपका कितना सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 17 का सही जवाब देना है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लास्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एनर्जी इन फूड इज मेजर्ड बाय, यानी कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन यहां पर आपका कैलोरी में है, ऑप्शन भी आपका सेल्सियस में है, ऑप्शन सी आपका केल्विन में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा जो होता है वो किसमें मापा जाता है। तो देखिए, ऊर्जा जो होता है वो आपका कैलोरी में मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, जल्दी से बताइएगा कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम जो होता है आपका हाइग्रोमीटर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, बैरोमीटर से जो होता है आपका वायु दाब नापा जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, यानी कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से वो कौन सा वैज्ञानिक है जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया गया था वो आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का खोज, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच टेम्परेचर आर द सेम इन बोथ द सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल, यानी कि कौन सा तापमान जो होता है आपका सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापक्रमों के एक समान होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, यहां पर पूछा है कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों तापमान के एक समान होना चाहिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि -40 डिग्री जो होता है आपका सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों मापकर्मों के बराबर होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जूल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जूल जो होता है आपका निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। आपको बताना है कि जूल जो होता है इन चारों में से किसका इकाई है। ऑप्शन चार जो आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जूल जो होता है आपका ऊर्जा का एक इकाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, कार्य का भी जो होता है आपका जूल ही होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और देखिए, बल का जो होता है आपका न्यूटन होता है, दाब का होता है आपका पास्कल, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे छह नंबर क्वेश्चन की ओर। छह नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज डेसिबल यूज टू मेजर, यानी कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका खून में हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी पेशाब में शक्कर, ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि डेसिबल का प्रयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, डेसिबल का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो आपका वातावरण में ध्वनि के लिए करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज एयर, यानी कि वायु क्या है। आपको बताना है कि वायु क्या है, जल्दी से बताइए कि वायु क्या है। तो देखिए, वायु जो होता है वो आपका एक मिश्रण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट, यानी कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। आपको बताना है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिएगा, साधारण नमक का रासायनिक नाम जो पूछा गया है तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम। अगर आपसे सूत्र पूछ दिया जाए तो सूत्र जो होता है वो आपका NaCl होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और देखिए, खाने वाले सोडा का जो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन में जो उपस्थित होता है वो आपका आयरन, यानी कि लोहा उपस्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन आयरन और, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि इनमें से कौन है जो एक लोहे का अयस्क है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि हेमेटाइट जो होता है आपका लोहे का अयस्क होता है,
यही से आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड है या ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका फेरिक क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन, यानी कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से किसका उपयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तांबा का सबसे पहले उपयोग मानव द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एयर, यानी कि वातावरण की आयु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफी बार इंडियन में एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है आपका 0.03% होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जाकर के एक एक लाइक कर दो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे जरूर दबाना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो जाकर के सब्सक्राइब और एक एक लाइक कर दो, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जाकर के जरूर एक एक लाइक कर देना। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर चूने का पानी जो दूधिया होता है वो कौन से गैस के कारण होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्राउन कोयला, यानी कि निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, अगर आपको हर क्लास का पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, वहां पर मैं हर क्लास का पीडीएफ देता हूं मेरे दोस्तों, जाकर के ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड, यानी कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका पोमोलॉजी है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी पेडोलॉजी या ऑप्शन नंबर डी फाइकोलॉजी। जल्दी से बताना है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए यहां पर फलों का अध्ययन जो कहलाता है वो आपका पोमोलॉजी कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और फूलों का अध्ययन जो कहलाता है आपका फ्लोरिकल्चर कहलाता है, और भूमि यानी कि मिट्टी का अध्ययन जो कहलाता है आपका पेडोलॉजी कहलाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और सवालों के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट कॉज मिल्क टू फ्रीज एज कर्ड, यानी कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण आपको बताना है कि दूध से डायरेक्ट दही बदल जाता है वो किसके कारण से होता है। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो मेरे दोस्त लैक्टोबैसिलस बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि HIV से होने वाला रोग आपको बताना है, ये कौन सा रोग जो होता है आपका HIV से होता है। तो एड्स जो होता है वो आपका HIV से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे हल्की धातु कौन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लिथियम यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए सबसे हल्का तत्व जो होता है वो क्या होता है आपका हाइड्रोजन होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, और धार्मिक क्लास यूट्यूब चैनल पर एक मिनट के बाद ही लाइव क्लास स्टार्ट होगा ओरिजिनल पेपर का, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा ज्यादा से एक एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बता दीजिएगा स्कोर, और दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे आपको ऑल पे प्रेस कर लेना, और धार्मिक क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।